हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सबसे महंगा पेट्रोल डीजल बेच रहे हैं मुख्यमंत्री गहलोत, यहां महंगाई हटाओ रैली जनता के साथ मजाक, कैलाश चौधरी। राजस्थान के जयपुर में कांग्रेस द्वारा आयोजित महंगाई हटाओ रैली पर तंज कसते हुए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि सबसे अधिक वेट टैक्स वसूल करने और सबसे महंगा पेट्रोल डीजल बेचने वाले कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान में महंगाई हटाओ रैली करना यहाँ की जनता के साथ कांग्रेस का सबसे बड़ा मजाक। बाड़मेर, जैसलमेर, दिल्ली, जयपुर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाले कांग्रेस शासित राजस्थान की राजधानी जयपुर में रविवार को कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सहित कांग्रेस के राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक नेताओं द्वारा आयोजित महंगाई हटाओ महारैली पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने तंज कसा है। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बताया कि कांग्रेस द्वारा महंगाई हटाओ महारैली राजस्थान में आयोजित करना एक तरह का मजाक है एवं प्रादेशिक नेताओं द्वारा आयोजित महंगाई हटाओ महारैली पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने तंज कसा है। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बताया कि कांग्रेस द्वारा महंगाई हटाओ महारैली राजस्थान में आयोजित करना एक तरह का मजाक है, क्योंकि राज्य सरकार ही सबसे ज्यादा टैक्स वसूल कर रही है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार जनता से राजस्थान राज्य में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल, सबसे महंगी बिजली उपलब्ध करवा रही है। डीजल और पेट्रोल पर देश में सबसे ज्यादा वेट गहलोत सरकार वसूल कर रही है और यही महंगाई की सिरमौर गहलोत सरकार महंगाई हटाओ महारैली करवा रही है। बड़ी ही हास्यास्पद और शर्म की बात है, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर राजस्थान की जनता से वादा खिलाफी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर आप राजस्थान की जनता को राहत प्रदान नहीं कर सकते हैं तो फिर आम जन को गुमराह क्यों कर रहे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि यदि टैक्स कम कर दिया तो सरकार को आर्थिक नुकसान होगा, आप अपना खजाना भरने के लिए जनता को क्यों लूट रहे हो। अगर आप जनता को दूसरे राज्यों की तरह टैक्स लगाकर सही रेट में बिजली, पेट्रोल और गैस नहीं उपलब्ध करवा सकते हैं तो फिर आप महंगा वे टैक्स के माध्यम से जनता को लूटने का कार्य क्यों कर रहे हो। ऊपर से आम जन को चिढ़ाने के लिए उसी राज्य में आप महंगाई हटाओ के नाम से रैलियों का आयोजन भी करवा रहे हो। यह सब दोगली बातें आज के जागरूक जनता सब समझती है। स्कूल यूनिफॉर्म बदलने का आदेश, तुगल की फरमान, प्रदेश में बिगड़े हुए लॉ एंड ऑर्डर तथा राज्य सरकार के सभी विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सरकार नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार का हर मंत्री अपनी जेब भरने में लगा हुआ है। 3 दिन पहले शिक्षा विभाग के मंत्री द्वारा एक आदेश निकाला गया कि राज्य के सरकारी विद्यालयों के यूनिफॉर्म को बदला गया है। इस आदेश से कपड़ा व्यापारियों और सिलाई के क्षेत्र में करने वाले लोगों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा। उनके पास स्कूल यूनिफॉर्म का जो रेडीमेड कपड़ा तैयार है उसका अब कोई खरीदार नहीं मिलेगा। अगर आपको स्कूल यूनिफॉर्म बदलना ही था तो आप सत्र 2022 से 23 में आदेश जारी करते, यहाँ फिर सत्र पूरा होने के बाद गर्मी की छुट्टियों से पहले। असमय ऐसे तुगले की फरमान जारी करने से विद्यार्थियों और व्यापारियों के साथ परिजन भी परेशान हो रहे हैं। परंतु गहलोत सरकार शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान देने की बजाय अपना खजाना भरने में लगी है। जागरूक टीवी के जयपुर से खास रिपोर्ट।